देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबरों में हम देखेंगे उषा मार्टिन की दशा सुधारने के लिए आगे आए कंपनी के संस्थापक बसंत झंवर। आजाद सिपाही की दूसरी प्रमुख खबर है 15 नवंबर से ही 12 शिक्षक लापता। शिक्षकों ने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन से मिलकर लगाई गुहार, कहा अब तक 10 शिक्षकों की हो चुकी है मौत। हेमंत सोरेन ने दिया आश्वासन, विधानसभा में उठेगा मामला। तीसरी प्रमुख खबर है राज्य में जनजातीय आयोग का गठन होगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्राइम की चौथी प्रमुख खबर में हम देखेंगे हादसों का शनिवार, रफ्तार का कहर, लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं में 5 की मौत, 7 गंभीर। प्राइम की पांचवी प्रमुख खबर है टीवी, सिनेमा टिकट और टायर हुए सस्ते, 18% जीएसटी के स्लैब में आई जरूरत की वस्तुएं, मोदी सरकार का क्रिसमस का तोहफा। आज के राजनीतिक हलचल में हम देखेंगे संथाल दिवस पर आजसू की स्वाभिमान यात्रा पहुंची भोगंडी, कोलेबिरा उपचुनाव की मतगणना रविवार को, तैयारी पूरी। आज के प्रमुख हेडलाइंस में हम देखेंगे बोकारो में लुटेरा गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 8 गिरफ्तार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित, महिलाओं ने मारी बाजी, एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा टली। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। डामाडोल हो रही राज्य के निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी उषा मार्टिन लिमिटेड को बचाने, कंपनी की दशा सुधारने और इसे एक नई दिशा देने के लिए कंपनी के संस्थापक सह समाज सेवी बसंत झंवर आगे आए हैं। कंपनी की वर्तमान दशा ने उन्हें विचलित कर दिया है। इससे व्यथित होकर 85 वर्ष की इस उम्र में भी उन्होंने फिर से कंपनी को पुराना मुकाम दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। कंपनी के मजदूर भी उनके साथ हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ काम किया जाए तो एक बार फिर कंपनी की पूरी दुनिया में धूम मचेगी। इसे लेकर बसंत कुमार झंवर ने शनिवार को कंपनी के मजदूरों के साथ संवाद किया, उनकी दशा जानी, कहा कि संकट के ये बादल ज्यादा नहीं रहेंगे, जल्द ही अंधेरा छटेगा और उजाले से सभी रोशन होंगे, इसके लिए नियम और कानून के तहत काम करने की जरूरत है। उन्होंने उषा मार्टिन के निराश मजदूरों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आप काम करिए, काम के साथ चौकीदारी भी कीजिए, न गलत काम करिए और न किसी को करने दीजिए, चौकीदारी से ही कंपनी को बचाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ही कंपनी की 2/3 हिस्सा बिक गया, केजीबी के स्टील कंपनी, आयरन ओर आदि कंपनियां निकल गई, आज जो 1/3 हिस्सा बचा है उसे हमें बचाना है। उन्होंने कहा कि मर्यादा और नियमों के तहत ही कंपनी को बचाने के लिए हम निकले हैं, इसके लिए मजदूरों का साथ जरूरी है, कानून भी अपना काम करेगा, इसके लिए जो भी चीज जरूरी है हम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मशीनों का भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ जो किसी भी कंपनी के आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है, यह समय की मांग भी है। बसंत कुमार झंवर ने ट्रेनिंग की जरूरत पर बल देते हुए मजदूरों से कहा कि यह समय की मांग है, आपके अनुभव को यदि प्रशिक्षण मिले तो अपने काम को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, कंपनी में 4 चांद लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर उनके परिवार हैं, इसका उन्होंने पालन पोषण किया है, इस कंपनी को उन्होंने खून और पसीने से सींचा है, ईंट से ईंट जोड़कर इसे खड़ा किया है। आज से 58 साल पहले छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की थी, कंपनी का पूरा दुनिया में नाम है, इसमें यहाँ के मजदूर और कर्मचारियों का बराबर योगदान है। कंपनी ने निर्यात के जरिए दुनिया में नाम कमाया, शुरुआत के बाद 8 साल की छोटी अवधि में ही यह मार्टिन ब्लैक से बड़ी कंपनी हो गई थी। बसंत कुमार झंवर ने कहा कि गुजरते समय के साथ कुछ भूल उनसे हुई, उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा कर लिया, ऐसे लोग ने कंपनी की जिम्मेदारी कम संभाली और जड़े ज्यादा काटी, इसका नतीजा है कि यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा, कंपनी का 2/3 हिस्सा बिक गया, कंपनी में इतना बड़ा लोन ले लिया, कई ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए कंपनी नुकसान में चली गई और इसका 2/3 हिस्सा बिक गया। गनीमत है कि कंपनी अच्छे हाथों में गई है, टाटा समूह का बड़ा नाम है, वह 150 साल पुरानी कंपनी है,
बसंत कुमार झवर ने कहा कि अब ये रांची की कंपनी बची है, इसे अच्छे से चलाना है, इसके लिए सबका योगदान चाहिए, यकीन है कि गया हुआ वक्त लौट आएगा। वहीं प्रशांत झवर ने मजदूरों को आश्वस्त किया कि कंपनी के दिन बहुरेंगे, पाप का अंत होगा, इसका इतिहास गवा रहा है, पिछले कुछ वर्षों में मजदूरों ने कष्ट झेला है, वह धैर्य बनाए रखे, अपना काम ईमानदारी से करें, कानून के दायरे में रहकर इस संघर्ष को जारी रखना है, हमसे कुछ भूल हुई है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम मजदूर कर रहे हैं वे कोई मालिक या अधिकारी नहीं कर सकता, कोई भी अधिकारी मजदूरों की तरह 12 घंटे काम नहीं कर सकता। रांची की कंपनी की आय 100 करोड़ रुपए के आसपास है, पर यहां कोई निवेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक साजिश रचकर मुझे कंपनी के चेयरमैन पद से हटाया गया, पर इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है, अब अपनी बात वह खुलकर रख सकते हैं, सिर्फ उनकी कुर्सी बदली है, तेवर नहीं। मौके पर कई मजदूरों ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने संस्थापक बीके झवर को ज्ञापन सौंपकर कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत कई अधिकारियों को हटाए जाने की मांग की है। और ये बोलना कि जब तक बसंत राव जिंदा है वहां जब तक जिंदा रखेगा, बसंत राव का से उषा मार्टिन अलग नहीं हो सकती। और आज तक जो कुछ किया है हमेशा उषा मार्टिन को ध्यान दे रहा है, इसी को हमने अपना अपनी फैमिली से ज्यादा इसको माना है, कोई हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हाँ गलत काम कोई करेगा, हमारे लिए कोई गलत काम करे फिर तो एक इंस्टीट्यूशन हुई जिसके लिए हमने अपना जी जान सारा लाइफ खत्म किया, और इंस्टीट्यूशन क्या हमारे साथ थोड़ी चला जाए, हम चल कल चले गए तो क्या उसका बात कर दो, नहीं उसको बर्बाद कर देंगे, जो आज बच्चा लगाया है हमने अपना लाइफ का, वो कोई सोचेगा कि बसंत राव जाएंगे कंपनी को बर्बाद बहुत है, पर ना जीते जीते हम चाहेंगे सब आप हमारे पास परिवार है, आप सब परिवार आपकी उन्नति होनी चाहिए, आपकी बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ने चाहिए, वो और अब उनके बच्चे और आगे बढ़े, वर्कर है, स्टाफ है, ऑफिसर है, सबकी सबका फायदा उषा मार्टिन अच्छी चलेगी। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड स्थापना दिवस के दिन से मोहराबादी मैदान से 12 शिक्षक शिवलाल हेम्ब्रम लापता हैं। इसकी जांच की मांग को लेकर 12 शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन से मिलकर गुहार लगाई। एकीकृत 12 शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश संयोजक विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में हेमंत सोरेन को मांग पत्र भी सौंपा। मोर्चा के संयोजक ने आरोप लगाया कि पारा शिक्षक शिवलाल हेम्ब्रम को प्रशासन द्वारा गायब कर लिया गया है। संघर्ष मोर्चा इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 शिक्षक आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने मृत पारा शिक्षकों के परिवार को उचित मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। इसके अलावा विद्यालय विलय की प्रक्रिया को अविलंब रोकने की मांग की गई। महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की मांगों को सरकार पूरा करे, अन्य राज्यों की तरह समान काम के बदले समान वेतन, स्थायीकरण का रास्ता निकालने की मांग की। उनकी मांगों पर हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में उनकी मांगे उठाई जाएंगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में जल्द ही जनजातीय आयोग का गठन होगा, यह घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की। वह दुमका में आयोजित
प्रमंडल स्तरीय ग्राम प्रधान एवं परंपरागत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के लिए राज्य जनजातीय आयोग का गठन करेगी। इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हर प्रमंडल से एक प्रतिनिधि रहेगा। जनजातीय समाज में बदलाव विकास के कार्यों की मॉनिटरिंग इस आयोग द्वारा की जाएगी। नए साल में झारखंड के जनजातीय समाज को सरकार यह तोहफा देने जा रही है। उन्होंने कहा कि संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। आजादी के 70 वर्ष के शासन में इस देश में अनेक शासक बने, लेकिन किसी ने आदिवासियों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जनता को गुमराह किया। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड के लिए शनिवार का दिन काला साबित हुआ। रांची, चतरा और धनबाद में रफ्तार का कहर दिखा। इसमें 5 की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं 7 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तीनों घटनाएं लापरवाही के कारण हुई। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिश्रौल गांव के करम मोड़ के पास शुक्रवार की देर रात कोयला लदे एक हाईवा ने 4 लोगों को रौंद दिया। इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, चौथे की स्थिति गंभीर है। इधर ओरमांझी थाना क्षेत्र के उकरीद में NH 33 पर शनिवार को ट्रक और बोलेरो की टक्कर में युवक संतोष मुंडा की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में एक कंटेनर ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें चालक धर्मेंद्र सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की पांचवी प्रमुख खबर पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की जनता को क्रिसमस और नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में 6 वस्तुएं बाहर की गई है। अब इस स्लैब में केवल 28 वस्तुएं हैं और ये सभी लग्जरी आइटम हैं। उन्होंने बताया कि सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टीवी और टायर की टैक्स दर घटाई गई है। जेटली ने कहा कि अब टॉप टैक्स स्लैब में 1200 वस्तुओं में से केवल आधा या 1% चीजें बची है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर कटौती का राजस्व पर करीब 5500 करोड़ का असर पड़ेगा। जेटली ने बताया कि काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं पर GST घटाने पर सहमति बनी है। 28% टैक्स स्लैब से 6 वस्तुएं बाहर की गई है। 18% टैक्स स्लैब से 26 वस्तुओं को हटाकर इनकी टैक्स स्लैब 12% या 5% की गई। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। संथाल दिवस पर आजसू की स्वाभिमान यात्रा पहुंची भोगंडी। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि युवा पीढ़ी का यह फर्ज है कि वह महान क्रांतिकारी सिद्धो कानू के अलख को जगाए रखे। महान सपूतों के विचार को स्थापित करके ही झारखंडी जनमानस को जिंदा रखा जा सकता है। संथाल दिवस के मौके पर सुदेश कुमार महतो शनिवार को अपनी स्वराज स्वाभिमान यात्रा के साथ भोगनाडीह पहुंचे। यहां उन्होंने सिद्धो कानू के वंशजों से मुलाकात की। इस मौके पर गांव के लोग भी मौजूद थे। सिद्धो कानू के वंशजों और गांव के लोगों ने भी अपने विचार रखे। सुदेश महतो ने कहा कि संथाल दिवस पर भोगनाडीह आना उनके लिए गौरव का क्षण है। कोशिश रहेगी कि इतिहास के इन वीर सपूतों के वंशजों के साथ खड़े रहें और यहां की जनाकांक्षा के अनुरूप चल सके। सिद्धो कानू ने जो मशाल जलाई थी उसे नई पीढ़ी जलाए रखे। कहा कि इस यात्रा के जरिए वे विचारों के आदान प्रदान को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। कोलेबिरा उपचुनाव की मतगणना रविवार को, तैयारी पूरी। कोलेबिरा उपचुनाव की मतगणना रविवार को होगी। 20 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, उस दौरान 64.8% वोटिंग हुई थी। मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोपहर तक परिणाम आने की उम्मीद है। यहां से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें छापा की मेलनिका, भाजपा के बसंत सोरेन, कांग्रेस के विक्सल कुनगाड़ी, सिंगल पार्टी के अनिल कंडुलना और निर्दलीय प्रत्याशी बसंत डुंगडुंग शामिल हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बोकारो में लुटेरा गिरोह का मास्टरमाइंड समेत 8 गिरफ्तार। बोकारो के कामगार थाना क्षेत्र अंतर्गत
कुरको पुल के पास 4 दिसंबर को SBI ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी भरत करमाली के साथ लूटपाट का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। SP कार्तिक एस ने शनिवार को बताया कि इस घटना का मास्टरमाइंड प्रकाश करमाली था। इस संबंध में 4 दिसंबर को मामला दर्ज कराया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित, महिलाओं ने मारी बाजी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके अनुसार अधिकांश सीटों पर महिला प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। NDA की सीट शेयरिंग की घोषणा टली। NDA में बिहार को लेकर सीटों के बंटवारे पर फैसले का ऐलान फिलहाल टल गया है। रविवार को NDA नेता सीट शेयरिंग फॉर्मूले की जानकारी साझा करेंगे। इसे लेकर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन लोजपा नेताओं के मुंबई में होने की वजह से इसे टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि समझौते के तहत रामविलास पासवान की लोजपा को 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट दी जा सकती है। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।